बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ वकास अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल गाइड फ्रॉम चिली से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुबहान व तआला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो में गाइड करूँगा कुछ भाइयों को जिन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट्स किए थे। लास्ट मेरी वीडियो के नीचे एक भाई ने सवाल किया था कि उनकी कोई दोस्त रहती है चिली में, तो चिली में वो किस तरह आ सकते हैं, यानी कि वो यहाँ पर आकर शादी करना चाहते हैं। उन्होंने थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में मुझे बताया, थोड़ा सा शेयर किया, तो उस भाई को मैं गाइड करूँगा। काफ़ी कमेंट्स आए हैं तो उनके मैं सवालों के जवाब दूँगा आज। तो भाई जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन लाजमी दबाएँ, जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो वो आपको मिलती रहे। फ्रॉम चिली से। तो सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया, शुएब भाई ने, उस भाई ने बोला है कि उनकी एक फ्रेंड है चिली में, तो वो उनसे शादी करना चाहती है। तो भाई बोल रहे हैं कि मैं चिली में किस तरह आ सकता हूँ, वो किस तरह भाई की हेल्प कर सकती है। शुएब भाई, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि आपकी जो दोस्त है आपसे प्यार करती है वो शादी करना चाहती है, या तो आप अपने पास बुलवा लें, शादी करके जो शादी का प्रूफ होगा दोनों आप ले जाएँ दुबई में, जो इनकी चिली एम्बेसी है वहाँ पर जाकर एम्बेसी में उनके साथ चले जाएँ और वीज़ा जमा करवा लें। एक हफ्ते के अंदर आपका वीज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह। दूसरा हल ये है, दूसरा रास्ता ये है कि आप लड़की को बोलें वो आपको एक इनविटेशन लेटर भेजे, स्पॉन्सर लेटर होता है, उसमें साफ़ लिखना है, ये नहीं लिखना कि ये मेरा फ्रेंड है, क्योंकि एम्बेसी वाले बच्चे नहीं हैं। आपने साफ़ लिखना है कि जी ये मेरी दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, हम शादी करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो मैं इसको स्पॉन्सर कर रही हूँ, इन्विटेशन दे रही हूँ कि वो चिली में आए और हम शादी कर लें। तो उस प्रोसीज़र पे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। आपने जो पेपर प्रोवाइड करने हैं वो बिल्कुल लीगलाइज करने हैं, एम्बेसी में जमा करवाने हैं, और वो जो आपको लड़की स्पॉन्सर भेजेगी वो आपने अटैच करके एम्बेसी में पेपर भेज देने हैं, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका यानी कि पूरा डिटेल्स होगी उस स्पॉन्सर लेटर के अंदर, और इधर लड़की की भी डिटेल्स होंगी। तो तकरीबन जो प्रोसीजर होगा 2 या 3 महीने लग जाएंगे आपको, जो इस वक्त है 4 महीने भी लग सकते हैं, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। लेकिन ट्राई करें, मेहनत करें, तो उसका फिर फल मिलेगा आपको। स्पॉन्सर लेटर से मुराद ये है कि वो आपकी ना सपोर्ट कर देता है वीज़ा लेने में, लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए कि वो लीगलाइज हो, जिस बंदे ने लेटर भेजा है उसके पूरे कॉन्टैक्ट्स हों, नंबर हो, क्योंकि एम्बेसी बाद में रابطہ करती है। अगर रابطہ ना हुआ, कॉन्टैक्ट्स ना हुए, तो वीज़ा रिजेक्ट होने के भी चांस होते हैं। तो उसमें यही है कि आप अपना अच्छे तरीके से फाइल बनाएं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी अटैच करें साथ, दूसरे मुल्कों में गए हैं घूम कर आएँ, आपकी अच्छी एक ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी वो काफ़ी हेल्प करती है वीज़ा लेने में। तो कोशिश करें किसी भी मुल्क में आप जाते हैं ना तो अनलीगल ना हो, लीगल स्टे करें। अगर बात नहीं बन रही है, आपने वहाँ पर रहकर काम करना है या बिज़नेस करना है, तो आप फिर दोबारा वापस चल जाएं, फिर आ जाएं, आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उस मुल्क के जो डेटा होगा आप उसके अंदर आ चुके हैं कि यार ये बंदा एक दफ़ा आया था विज़िट करके चले गया, तो शायद फिर जाएगा, घूम कर आ जाएगा, तो आप फिर ट्राई कर लें, काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। कोशिश करें किसी भी मुल्क में जाएं तो अनलीगल स्टे ना करें, उसमें मुल्क की भी इंसल्ट होती है और पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो भी नीचे जाती है। दूसरा सवाल जी हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं अरशद सद्दीक, ये भी पाकिस्तान से, इन्होंने सवाल किया था कि लाजमी इनविटेशन चाहिए वीज़ा लेने के लिए, और अगर वीज़ा अप्लाई करें बग़ैर इनविटेशन के तो वीज़ा मिल जाएगा कि नहीं। अरशद भाई देखें,
अगर तो आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका ज़ीरो यानी कि बिल्कुल ज़ीरो पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ, तो कोशिश करें सबसे पहले ट्रैवल करें, छोटे मुल्कों में चले जाएं, दुबई में चल जाएं, थाईलैंड में चल जाएं, दो या तीन मुल्कों का विज़िट कर लें और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं बग़ैर इन्विटेशन लेटर के भी। तो उसमें क्या होता है, रिक्वायर होती हैं बैंक स्टेटमेंट और भी काफ़ी रिक्वायर्स होती हैं, अगर वह आप पूरी कर दें तो आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन चुकी होगी, दूसरा आप उस मुल्क में अनलीगल नहीं रुके हैं, आप विज़िट कर वापस आ चुके हैं, दो या तीन मुल्कों का विज़िट कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। एक तो आप लीगल तरीके से रह कर आएँ, वापस आएँ, तो उसमें आपको सपोर्ट होगी, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़े लगे होंगे, स्टैंपे लगे होंगे, उनकी सपोर्ट होगी, वैल्यू होगी, तो इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर बेहतर यही होता है कि आप इनविटेशन लेटर भी लगा लें तो और सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन वो लीगल हो, दो नंबर ना हो, यानी कि डुप्लीकेट भी बनते हैं ना आजकल इनविटेशन लेटर, वकील्स होते हैं वो बना देते हैं, $1,000 ले लिया, $2,000 ले लिया, तो बाद में मसला बन जाता है। अगर कोई भी इनविटेशन लेटर मंगवाना है या बनवाना है तो वो लीगल बनवाएं, पावरफुल बनाएं, जो आपके वीज़े की सपोर्ट करें, उसमें ये होता है कि 90% चांस बन जाते हैं वीज़ा मिलने के। लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी कि चिली के अंदर जो उबर का काम है अच्छा है कि नहीं, एक भाई ने भी सवाल किया था कि उबर के ऊपर यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाई जाए, ज़रूर बनाऊँगा इंशाल्लाह भाईजान, ज़रूर बनाऊँगा, लेकिन मैं एक आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि अगर आपने चिली में आना है, रहना है, ये वाला काम करना है, बिज़नेस करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसकी क्लासें होती हैं, यहाँ पर 8 क्लासें मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान में की हैं, इंडिया में की हैं, किसी भी मुल्क में यानी कि दूसरे के यहाँ पर आना चाहते हैं तो 8 क्लासें आपकी मुकम्मल हो, अगर आपने नहीं की हैं तो फिर यहाँ पर आपको 8 क्लासें मुकम्मल करनी पड़ेंगी, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर फिर एक टेस्ट देना पड़ता है, वो टेस्ट जो है वो स्पेनिश ज़बान में है, वो जब स्पेनिश ज़बान में आप कंप्लीट टेस्ट दे देंगे उसके बाद फिर आप जाकर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी क्लास होगी, यानी कि टाइम लगेगा स्टेप बाय स्टेप। रेगी बाय उबर की, उबर का बिज़नेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, लोग पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर, दूसरे मुल्कों के लोग आए हुए हैं यहाँ पर जो ये वाला काम कर रहे हैं, लेकिन जो एशिया से लोग आते हैं उनको थोड़ा सा टफ होता है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ज़ुबान नहीं आती है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर रिश्वत वाला काम नहीं है कि रिश्वत देंगे, पैसे देंगे तो शायद ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको वो टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट देने के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। एक भाई का सवाल है जी, भाई अगर चिली में बेबी प्लान करें तो यहाँ बेबी को सिटीज़नशिप मिल जाएगी? जी ज़रूर, अगर आपका बच्चा यहाँ पर बोर्न हुआ है तो उसको चिलियन सिटीज़नशिप मिलेगी, उसको यहाँ पर नेशनलिटी दे दी जाएगी, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं एशिया से जो रह रहे हैं जिनके बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर पैदा हुए हैं तो उनको सिटीज़नशिप मिल चुकी है, दे देते हैं। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है कि रेड कार्ड दे दो, फिर नीला कार्ड दे दो, फिर ग्रीन कार्ड दे दो, क्योंकि एशिया में कुछ मुल्क हैं बहुत टफ, नेशनैलिटी तो दूर की बात है, वो तो एक कार्ड भी बड़ा मुश्किल देंगे, तो यहाँ पर बहुत सॉफ्ट सिस्टम है, अगर आपका बच्चा यहाँ पर बोर्न हुआ है, बेबी बोर्न हुई है, तो यहाँ पर वो उसको नेशनैलिटी दे देते हैं, फिर वो चिलियन कहलाता है। ये बहुत ही प्यारे भाई हैं, कैसर हुसैन भाई। देखें कैसर भाई, आपका सवाल है, और आप किस बंदे को जानते हैं जो चिली का काम करता हो, यानी कि वीज़े का कहना चाहते हैं ना। देखें भाई, मैं एक सिंपल सी बात आपको बता दूं, अगर तो आपका कोई जानने वाला है यहाँ पर, या जानने वाली है या जानने वाला है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करें, वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर भेज दें। स्पॉन्सर के साथ ये होता है कि 80 या 90% चांस होते हैं वीज़ा लगने के,
तो जो दूसरी रिक्वायर है ना एम्बेसी की, पेपर वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, कुछ इस तरह के वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब का लेटर मांगेंगे, तो वो आप अटैच कर कर लीगल तरीके से, स्पॉन्सर लेटर भी अटैच कर कर लीगल तरीके से उसको एम्बेसी में भेज दें ऑनलाइन। बहुत आसान तरीका है आजकल चिली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा। लोगों के चक्कर में ना आए मेरे भाई, आपके पैसे ज़ाया होंगे, ठीक है। आपने कुछ नाराज़गी का भी मैसेज किए थे मुझे, तो भाई हम प्रदेश में बैठे हैं, काम करते हैं, टाइम नहीं होता, जब टाइम मिलता है तो एक वीडियो अपलोड कर देते हैं आप भाई लोगों के लिए, कि आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो कोशिश करें, खुद अपना काम करें, लीगल तरीके से करें, किसी एजेंट के चक्कर में ना आइएगा। पैसे भी बहुत ज़्यादा लेगा और उसमें यह है कि 50-50, आपको पता है जब आपके पैसे फंस जाएंगे ना तो बहुत मुश्किल होगा निकालने के लिए मेरे भाई। खुद अपना काम करो, लीगल तरीके से पेपर बनवाओ और जमा करवा दो, इंशाल्लाह काम हो जाएगा आपका मेरे भाई। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो ये मेरी नई वीडियो अपलोड होगी, तो वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स कीजिएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं और चिली के बारे में, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर की जाए। दूसरा गाइस, चिली बहुत ही प्यारा मुल्क है, बहुत ही पीसफुल मुल्क है। यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, काम पर, बिज़नेस में, और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, हम बड़े लकी हैं। लकी से मुराद ये कि इंडिया से है या पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश से, हम लोगों में ना बहुत अच्छा एक सिस्टम होता है, फैमिली सिस्टम, एक प्यार होता है, ब्लड ही ऐसा है ना हमारा ब्लड। तो यहाँ पर चिली में जो सिस्टम है ना वो बहुत डिफरेंट है। चिली का सिस्टम ये है कि यानी कि जो घर के अफराद हैं ना, अगर 10 हैं तो वो 10 ही कमा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है कि भाई की कैसी तबीयत है, बाप कैसा है, माँ कैसी है, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं ना उन्होंने नहीं सिखाया है, जो इनके दादा दादी नाना नानी, उन्होंने कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया कि ये इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे बैठ जाएं, प्यार मोहब्बत, यहाँ पर वो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक सीन बन जाता है इमोशनल, अगर कोई एशिया से नया बंदा आएगा वहाँ पर वो समझेगा कि जैसे ही एशिया में, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, नहीं, यहाँ पर बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर जो दोस्त होते हैं कोई इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, अगर आप चिलियन दोस्त बनाएंगे कोई इतनी ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं करेगा, मे भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दे, क्योंकि इनके ब्लड में नहीं है, सिंसियरपन नहीं है। सिंसियरपन समझते हैं ना कि एक एहसास, एक प्यार, वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत कम सिस्टम मिलेगा फैमिलीज वाला, यहाँ पर आपको बहुत कम मिलेगा सैटरडे संडे, जैसे हम हफ्ता इतवार आता है तो हम कहते हैं कि चलो यार मामू की तरफ चलते हैं, दोस्तों की तरफ चलते हैं, विज़िट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। यहाँ पर तो एक सिस्टम इस तरह का बन जाता है कि आप सैड फुल हो जाते हैं कि यार मैं किस मुल्क में आ गया हूँ, कैसे लोग हैं, बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन आपको फिर अगर यहाँ पर रहना है, बिज़नेस करना है, तो इनके रंग में रचना पड़ेगा। रंग से मुराद ये नहीं है कि जो ये बुरा काम कर रहे हैं तो वही शुरू कर दें, नहीं, आप ठीक है अपनी लिमिट में रहें, लेकिन बस आप अपना काम करते जाएं, जिस काम के लिए आप आएँ वो अपना काम करें बस। दूसरा, अगर आपको यहाँ का PR मिल गया, 5 साल का वीज़ा मिल गया, तो उस पर ये आसानी होगी कि अगर आप USA में जाना चाहते हैं वगैरह, दूसरे भी किसी मुल्क में, बड़े में जाना चाहते हैं, तो वीज़ा लेने में आसानी होगी, रिक्वायर होगी। उसमें ये नहीं कि आपको सिर्फ वो वीज़ा मिल गया तो ठीक है जी, अब टिकट ली तो चले एयरपोर्ट पर, बाद में डिपोर्ट का ठप्पा लगा रहे हो, चल भाई वापस जा। उसमें ये होता है कि आपको ना थोड़े से पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं, जो इनका 5 साल का वीज़ा होता है चिलियन PR, उस पर आपको आसानी से वीज़ा मिल सकता है, USA का, ऑस्ट्रेलिया का वगैरह वगैरह, इनके काफ़ी मुल्कों का। तो लैटिन अमेरिका में अगर आप जाना चाहते हैं, फ्री एंट्री है, जो वो अर्जेंटीना की है, और उसके बाद पेरू है एक मुल्क, और दूसरा मेक्सिको और कोलंबिया, इन मुल्कों की एंट्री फ्री है। दूसरे जो लैटिन अमेरिका में मुल्क आते हैं उनका वीज़ा लेना पड़ेगा। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और चिली का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है, लोग जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सैंटियागो की सैर करवाई जाए।
आपको जगहें दिखाएंगे, यहाँ पर पार्कें बहुत खूबसूरत, तो इंशाल्लाह मैं उनका विज़िट करूँगा और वीडियोज़ बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा गाइज, वंस मोर अगेन, अगर आपने कोई भी सवाल करना है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामुअलैकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी।